37 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों के साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एयरटेल ने अपने दो प्रीपेड प्लान्स की कीमतों में 40 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। एयरटेल ने यह कदम ARPU को बढ़ावा देने और कुल मिलाकर निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए उठाया है। दरअसल एयरटेल ने चुपचाप 118 रुपये और 279 रुपये वाले प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया है। 118 रुपये वाला प्लान जो एक 4G डेटा वाउचर है अब 129 रुपये का हो गया है, यानी यह प्लान 11 रुपये महंगा हो गया है। इसी तरह 289 रुपये का प्लान अब 329 रुपये हो गया है, यानी यह 40 रुपये महंगा हो गया है। प्लान की नई कीमतें एयरटेल वेबसाइट के साथ साथ मोबाइल ऐप पर भी दिखाई दे रही है। आइए इन दोनों प्लान्स और उनके अपडेटेड कीमतों के बारे में डिटेल में जानते हैं। एयरटेल के 129 रुपये का प्लान 12 GB डेटा के साथ आता है। पहले इसकी कीमत 118 रुपये थी, यानी यह अब 11 रुपये महंगा हो गया है। बता दें कि यह डेटा पैक है और इसमें एकमुश्त यानी बल्क डेटा मिलता है। प्लान की वैलिडिटी एक्टिव बेस प्रीपेड प्लान के समान ही है। इस प्लान में कोई अन्य बेनिफिट शामिल नहीं है। अब बात करते हैं 329 रुपये वाले प्लान की। एयरटेल के 329 रुपये वाले प्लान की कीमत पहले 289 रुपये हुआ करती थी, यानी यह अब पहले से 40 रुपये महंगा हो गया है। यह प्लान 35 दिनों के वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान के साथ यूजर्स को 4 GB बल्क डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और एकमुश्त 300 SMS मिलते हैं। कीमत में बदलाव के साथ इस प्लान को इस्तेमाल करने की रोज की लागत भी 8 रुपये से बढ़कर अब लगभग 9 रुपये हो गई है। अब धीरे धीरे टेलीकॉम कंपनियां अपने प्लान्स महंगे कर रही है। शायद आने वाले समय में जियो और वोडाफोन आइडिया भी अपने प्रीपेड प्लान्स को महंगे कर सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।